सभी किसान भाइयों का किसान की खोज चैनल में स्वागत है। और आज मैं जिगर सर के डेयरी फार्म पे आया हूँ, तो जिगर सर से डायरेक्ट बात करते हैं और जिगर सर का जो भी अनुभव है तो हम आपको जिगर सर के जुबानी ही सुनाते हैं और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जिगर सर, आप सर अपना परिचय और अपने फार्म की डिटेल बताएं और आपने कैसे एजुकेशन से लेके आपने डेयरी डेवलपमेंट तक कैसे पहुंचे, आप थोड़ा सा अपना बताएं। मैं जेके फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग से बोल रहा हूं। मेरा नाम जिगर पटेल है, मैं गुजरात से हूं और गुजरात के आनंद ज़िले से नवाखल गाँव में मेरा फार्म है जी। और मेरी पढ़ाई MBA की हुई मैंने, मास्टर इन बिजनेस डेवलपमेंट। और मैं 12 साल बाहर रहा हूँ US एंड कनाडा में, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई थी जी जी। उसके बाद मैं इंडिया में आया था और अभी जो मेरी फार्मिंग है वो, ये मेरा पैशन है बेसिकली डेयरी फार्मिंग में जी। जो मेरे को अपना तो काम करना है लेकिन बेसिक साथ के साथ मेरे पास जो भी नॉलेज अवेलेबल है वो बांटनी है जी, या लोगों को मिले कि भाई हम कैसे आगे बढ़ सके जी जी, या अच्छा मिल्क एक गाय से मैक्सिमम कितना मिल्क अच्छा निकाल सके ब्रीडिंग करके, और कैसे ब्रीडिंग होती है, बस वही हम काम कर रहे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। और ये सबके एक्सपीरियंस में मेरे जो एक जयेश भाई है, मेरे जो गुरु है जी जी, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उनका एक्सपीरियंस मैं पूरा यूज़ करता हूँ और मेरा साइंस में डालता हूँ, दोनों का समन्वय करके हम मैक्सिमम रिजल्ट यहाँ लेते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिगर सर जो है जयेश सर के छोटे भाई हैं और वो अपने गुरु के रूप में, उनको आदर्श के रूप में रखे हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है सर से। तो सर, आपको अपने जो भी नॉलेज है वो बता रहे हैं। तो एक स्टार्टिंग जो 2 गाय से 4 गाय से फार्म स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे किस टाइप से उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, तो वो सर आपको बताएंगे। तो सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो छोटे किसान है उनको अगर डेयरी फार्म में आना है 2 गाय 4 गाय से, तो पहले सबसे पहले पहली बात उनको अच्छी नस्ल की गाय लेनी चाहिए जी। ज़्यादा हाई बड़ी मिल्किंग वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, दिन का 25 लीटर निकाले ऐसे ही एक अच्छी गाय, नस्ल की गाय लो जी जी। और उस पर आप अच्छा सीमेंट, अच्छा ब्रीडिंग करो जी जी। सीमेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है, जैसे बहुत कंपनी है, नाम तो बहुत सारी कंपनी है जी, लेकिन जी। आप सीमेंट का चुनाव ऐसा करो कि उससे की पीछे की जो नस्ल आएगी ना जी जी, उसमें क्वालिटी बढ़े। अगर उनकी क्वालिटी बढ़े जी, दूध बढ़े, बीमारी कम आए जी जी, जो पाँव की तकलीफ है वो कम हो जाए, अडल्ट डेवलपमेंट अच्छा हो, तो वो सब ध्यान के देख के उसका ब्रीडिंग करो और धीरे धीरे करके आप फार्म बड़ा कर सकते हो। तो सर, स्टार्टिंग लेवल में जैसे कौन सा सीमन यूज करना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस करें। वो डिपेंड करता है आपके जैसे डेयरी फार्मर कैसे उसको यूज़ करना चाहे जी। दो तरह के सीमन आते हैं, प्रोवन भी आता है जी और में जीनोमिक भी आते हैं। ओके राइट। प्रोवन में ऐसा होता है कि उनकी जो बूल होता है उनकी डॉटर ने ऑलरेडी इतना दूध दे दिया होता है जी जी, और अवेलेबल दूध दिया होता है। और जो दूसरा जो सीमन आता है उसमें ऐसा होता है कि वो एक प्रेडिक्शन करते जी, कि भाई फादर और मदर के रिकॉर्ड के हिसाब से एक प्रेडिक्शन आता है कि इनकी डॉटर इतना दूध दे सकती है। तो दोनों कर सकते हो अलग अलग अपने हिसाब से, वो फार्मर पे थोड़ा डिपेंड करेगा उनको क्या करना है। क्योंकि प्रोवन सीमेंट जो आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं जी, और अपने NDDB गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है सीमेंट SAG द्वारा जी, वो भी आप कर सकते हो, डेनमार्क करती है जी। लेकिन जी, मैं ज़्यादातर अगर ब्रीडिंग में जिसको काम करना है उसमें सबको बोलता हूँ कि, या मेरा मानना है मेरे फार्म पे हम जो करते हैं जी जी, USA का सीमेंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके ओके। तो नॉर्मली NDDB के और SAG के सीमेंट यूज कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं तो उनका भी अच्छा अच्छा रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड देखें और कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना एडवाइस लें, या आपके नियरेस्ट में कोई भी जो ऐसा पुराना डेयरी फार्मर हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो सर ने यही बताया है, और सर के पास बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर जर्सी गाय हैं। तो सर ने अधिकतर जो काम किया है वो जर्सी पे काम किया है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। और सर के पास अभी कुछ हाइफर हैं, कुछ तैयार हैं। तो सर, अभी जो आपके पास जर्सी हैं वो कितने मिल्क तक हैं, क्या अभी कोई दूध की प्रोडक्शन पे है?
हाँ प्रोडक्शन पे है अभी। देखो मैं लीटर पे काम नहीं बोलूंगा जी जी, तो लीटर पे तो क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं कि 30 लीटर या 25 लीटर जी जी, इतना दूध कितने टाइम पे देती है जी जी, तो वो तो मैं ऐसे किसी को सलाह नहीं देता हूँ जी जी। लैक्टेशन देखो उसका पूरा जी जी, हमारे जो ब्रीडिंग किया हुआ है हमसे और अभी जो भी जर्सी काम दूध में दे रही है, हमारे हिसाब से ये 5,000 लीटर तक जाने वाली है फर्स्ट लैक्टेशन पे जी जी। कोई है वो 6,000 चाहेगी ओके, लेकिन उसकी जो डॉटर आ रही है ना वो कन्फर्म 6,500-7,000 क्रॉस कर जाएगी, ये लैक्टेशन का बोल रहा हूँ जी जी। और आई थिंक वही देखना चाहिए, क्योंकि दूध हमको पूरे लैक्टेशन में एनिमल कितना देता है उस पर ही हमारा मुनाफा जुड़ा हुआ है या हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है जी। तो सभी लोग ये ध्यान दें कि सर ने जो अहम बात बताई कि कभी भी आप करेंटली जो उसका 25 लीटर 30 लीटर के उसमें ना जाएं, और सबसे पहले देखें एक लैक्टेशन में कितना दूध देती है। तो सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। और सर जो है अपने यहाँ सर के पास में जो भी अच्छी अच्छी गाय हैं और जो भी उनके पास काफ अभी आए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कौन सी गाय अभी फर्स्ट लैक्टेशन में कितना निकाला है और सेकेंड में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सर थोड़ा सा ये इसका फर्स्ट लैक्टेशन ख़त्म होने आया है जी जी, इसने 4.5 के करीब निकाला हुआ है, 4.5 अभी भी निकाल रही है जी जी। तो और इसको AI हो चुका है जी जी, PD करना बाकी है ओके ओके। तो सर ये पीक टाइम पे वैसे थोड़ा जैसे लीटर टाइम इसका 24 हुआ था तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गाय है, छोटी सी गाय है पर बहुत अच्छी। ये फर्स्ट लैक्टेशन खत्म हुआ है, सेकंड में आने वाली है, ये सेकंड में आने वाली है। और सर जो आपने HF में रख रखी है तो ये सभी फर्स्ट लैक्टेशन है और अभी सभी दूध में है, ये आराम से 5,000+ क्रॉस करेगी है जी जी, 5,000 लीटर तक जाएगी है। तो देखें आराम से जाएगी, क्योंकि अभी इनका अभी भी अच्छा पिकअप चल रहा है जी जी, 4 महीना हो गया इनको जी जी मकानी के रहे, फिर भी अच्छा काम कर रही है। सो बेसिकली ये इसका जो बीच का इंटरवल है ना लैक्टेशन का जी, वो बहुत लॉन्ग है इसका जी, अभी भी 15-15, 16-16 निकाल रही है दिन का ओके। तो दैट मीन्स पीक में तो उनका हुआ ही था जो हुआ था, लेकिन ये 5,000 लीटर ऊपर जाने वाली है, ये लंबा निकालती है दूध जी जी। तो आपने HF और जर्सी में आपने जर्सी क्यों चूज किया, तो इसका कोई रीजन आप अगर बताएं। जर्सी आप चूज करोगे हमारे वेदर में, जर्सी को इसको एक तो पहले आप रफ एंड टफ रख सकते हैं जी, इसमें बीमारी नहीं आती जी। ये गाय में एक ताकत है जो हम जो भी खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं या ग्रीन पाउडर खिलाते हैं जी जी, 13% कन्वर्ट करके मिल्क में ट्रांसफर करती है ओके। इसकी ब्रीड की ये खासियत है ये जी। और ये गाय में उसका जो फैट परसेंटेज है जी, वो मेरे पाम पे 5.5 के ऊपर का ही आता है, हम जो निकालते हैं जी जी, हम रेगुलर चेक करते हैं जी, और आता ही आता है इनका इनका फैट इतना होता है जी। और इनके जो प्रोटीन वैल्यू है दूध में बहुत बहुत अच्छी है ओके। जैसा कि US छोटी गाय है, कहने का मतलब इसका मैक्सिमम वेट 450 किलो जाता है जी जी, और HF का 700-800 पे चली जाती है जी जी, तो ये कम खाती है और कन्वर्ट ज़्यादा करती है दूध में जी। जैसा कि USA में प्रोटीन वैल्यू पे ज़्यादा काम होता है और अपने इंडिया में फैट कंटेंट पे ज़्यादा काम होता है, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो प्रोटीन वैल्यू, कैल्शियम जी, वो सब कुछ इसमें दूध में, इनके दूध में ज़्यादा होता है। और बाहर की कंट्री में SNF पे दूध जाता रहे, सोमेटिक सेल्स पे दूध बेचा जाता है जी, हमारे यहाँ अभी फैट पे जाता है, फैट पे लोग ध्यान देते हैं जी जी, लेकिन बेसिकली दूध की वैल्यूएशन देती है। और सबसे बड़ी बात तो एक बोलना चाहूँगा, मैं किसी ब्रीड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ जी, लेकिन मेरे फार्म पे अगर किसी भी गाय का दूध निकाल के आप चेक करवा लो जी जी, आपको अंदर दूध में जो परसेंटेज प्रोटीन के या जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी ना, वो ज़्यादा ही मिलेगी जी। इसका रीज़न एक ही है कि आप अच्छा खाना खिलाओ जी, उनका न्यूट्रिशन वाला दाना दो अच्छा, तो ऑटोमेटिक अच्छा करेगी। ऐसा कोई गाय बनी ही नहीं है कि हम कुछ भी खिला दें और कन्वर्ट कर दें अच्छा अच्छे दूध में, ऐसा होता ही नहीं है ओके। ठीक है, तो सर का मैं फार्म आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये गाय फर्स्ट लैक्टेशन की हैं और कुछ ये गाय हैं आप देख सकते हैं, मैं सारी गाय आपको दिखा रहा हूँ, तो आप एक एक गाय देखें। और अभी कुछ ये जो 6 गाय हैं ये फर्स्ट लैक्टेशन में हैं और ये सब 30+ की 35+ की हैं, तो अभी ये गाय आप देख सकते हैं। और सर के पास में इधर हाइफर हैं, ये जर्सी और HF की, और कुछ अभी इधर भी हाइफर हैं, तो
तो ये सारी तैयार हैं, आगे आने वाले 2-3-4 महीने में बहुत अच्छा ये सब मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। और मैं अभी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक गाय की फुल आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आप गौर से देखें और ब्रीड की क्वालिटी आप पहचानें। ओके, थैंक यू सर।